करते रहते हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग पहुंचे हैं डॉक्टर अलका सोनी चौधरी के पास। आप बता दें कि महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और कई सारे ऐसे मामले देखे गए हैं जिनमें लोग पटना या गोरखपुर जब जाने के हालात बनते हैं, वैसे मामलों को भी डॉक्टर अलका सोनी ने यहीं पे सोल्यूशन किया उसका। तो डायरेक्ट हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार न्यूज इंडिया के दर्शकों को। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य घर से ही शुरू होता है। लेवल वन जो है वो घर पर ही है कि हम अच्छा डाइट ले, अच्छा एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, तो जो भी बीमारियां हैं वो कम डेफिनेटली हो जाएंगी। हम रोक नहीं सकते हैं बट ऑब्वियसली उसका जो असर होगा वो हमारे ऊपर कम होगा। इनफर्टिलिटी या बांझपन ऐसी समस्या है जो इंडिया में अब काफी उभर के आ रही है। अजीब बात है, इंडिया ऐसा कंट्री है जो पॉपुलेशन जहां बढ़ने की भी प्रॉब्लम है और एक तरफ इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम है। मतलब दोनों स्पेक्ट्रम के दोनों साइड हम लोग खड़े हैं। 10% लोग अर्बन एरिया में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम झेल रहे हैं। इनफर्टिलिटी मतलब एक साल साथ रहने पे भी अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पाता है तो हम उसे इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में डालते हैं। तो इसमें डाइट का काफी रोल है। थोड़ा सजग रहने की भी जरूरत है कि काफी टाइम बीत रहा है। बहुत पेशेंट्स आते हैं जो सालों साल बस वेट कर रहे हैं और बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है उनमें। जब तक उनको बाहर से कोई दवा नहीं दी जाएगी, उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे। और फर्टिलिटी एज रिलेटेड होती है, आफ्टर एन एज मतलब वो डिक्रीज होनी है। तो समय रहते इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा झिझक भी है, सामाजिक कारण है। कहीं ना कहीं औरत को ये मान के चला जाता है कि उसका मेन काम है बच्चा पैदा करना। कुछ हमारे और सही भी है क्योंकि उसी का रोल है, बट एक समय पर इसको आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम है तो उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। दूसरी बात जो मैं कह रही थी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कुछ डाइट ऐसा होता है विच इज फर्टिलिटी इनहेंसिंग, मतलब उसको लेने से जो आपकी फर्टिलिटी है वो बेटर होगी, मतलब कंसीव करने का पावर बेटर होगा। और आजकल जो नया चला है जंक फूड खाने की, हम लोग बिल्कुल एक ऐसे दुराहे पे खड़े हैं जो आधे ट्रेडिशनल है आधे मॉडर्न है। थोड़ा सा दिल से हिंदुस्तानी है और दिमाग और टंग से तो पूरे हम लोग क्या बोलूं चाइनीज जापानी सब हो चुके हैं। जगह जगह मैं देखती हूँ चौमिन सेंटर, बर्गर सेंटर, लोग अब बस इसी में इंटरेस्टेड रह गए हैं। तो जितना भी ये फैटी फूड, ये जंक फूड जी एग्जैक्टली स्पेशली फीमेल बॉडी पे हार्मोनल इम्बैलेंस करने में इसका बहुत रोल है। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वेज बेस्ड डाइट, फ्रेश फ्रूट्स, घर का बना हुआ ताजा खाना, ये सब खाने की जरूरत है। अपने मूल रूप में जाने की जरूरत है। तो मैडम जो नई नई शादी होती है, जो बच्चा लोग प्लान कर रहे हैं, तो खासकर किन चीजों का ध्यान रखना होगा ताकि जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं उनको ये चीजें समझ में आए। बेसिक कॉन्सेप्ट है फर्टिलिटी साइकिल का कि मतलब कब से कब तक साथ रहने से प्रेगनेंसी में ये होगा, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि अपना डाइट, अपना वेट एक मेंटेन करे। एक हेल्दी बीएमआई जो हम कहते हैं कि वेट और हाइट का जो रेशियो है वो ठीक होना जरूरी है। आप अगर आपका वेट बहुत बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली यू हैव सम हार्मोनल इम्बैलेंस और उसको करेक्ट करने की जरूरत है। जी अच्छा, कई सारे ऐसे मामले देखे जा रहे हैं मैडम जिसमें लोग को लगता है कि नहीं सिवान में नहीं हो पाएगा, पटना ही जाना पड़ेगा, गोरखपुर ही जाना पड़ेगा, लेकिन कई ऐसे मामले देखे गए हैं कि आपने भी यहाँ पे उसका सोल्यूशन किया है, उस मामले को सॉल्व किया, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पटना और गोरखपुर में ही भरोसा रखते हैं। देखिए ये बड़ा नॉर्मल सी चीज है कि जब आपको कहा जाता है कि ये यहाँ पे हैंडल नहीं हो पाता है, पैनिक स्टेट में लोग आ जाते हैं कि कहाँ जाए कि ठीक हो जाए, क्योंकि हेल्थ से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। स्पेशली हमारी जो फीमेल वाली बात रहती है, ये जब प्रसूति प्रेगनेंसी में जब उनको रेफर किया जा रहा होता है तो दो जान की बात होती है। कोई भी बहुत डर जाता है कि अरे क्या हो गया। अभी जैसे सिवान में हेपेटाइटिस बी केसेस को लोग इतना डरा देते हैं कि मतलब यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हेपेटाइटिस बी केसेस बिल्कुल हैंडल हो रहे हैं। हीमोग्लोबिन की कमी है, अनिमिया हो गया, मुझे तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि अनीमिया है, उसको ब्लड लॉस हो रहा है, उसको अगर हम भेजेंगे तो वो रास्ते में तो वो और डिटोरिएट हो जाएगी, फिर तो आप पहुंच के गॉड नोज की बचने की क्या चांसेस। तो उनको यहीं पे दिखाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल दिखाना चाहिए। ब्लड उनको वहां भी देना है, ब्लड उनको यहाँ भी देना है। ब्लड थोड़ा सा ये लोग डरते हैं कि शायद पेशेंट्स के अटेंडेंट ब्लड ना दे, ये वो,
लेकिन मेरे तो मैंने लोग ये धारणा बन चुकी है मन में कि अस्पताल जाएंगे तो ऑपरेशन से ही बच्चा होगा, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा होगा नहीं, इस तरह की धारणा लोगों में बनी है, इसको कैसे मतलब देखती हैं? इसको मैं बहुत ही दुख की नजर से देखती हूँ, क्योंकि इससे मेरे से ज्यादा शायद ही कोई भुगत रहा होगा। क्योंकि कितना भी दिल लगा के 9 महीने इलाज कर दो, अगर सिजेरियन कर दो, वो पूरी जिंदगी आपको इन नजरों से देखता है जैसे मतलब क्या कर दिया। और हम लोग किस लिए जीते हैं? रिस्पेक्ट के लिए जीते हैं। और क्या, अपना काम बहुत दिल से करती हूँ मैं, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिल जाता है जब पेशेंट थैंक यू बोल देता है, उतना ही बहुत है। और जब उस निगाह से देखता है कि आपने मतलब हमारा खून कर दिया है, तो बहुत बुरा लगता है। यानी कि डॉक्टर आप लोग की कोशिश होती है कि पहले नॉर्मल डिलीवरी कराया जाए। ईश्वर की शपथ लेके मैं कहती हूँ यहाँ पे, आप इसको वायरल कर दीजिए कि मैं कभी नहीं चाहती कि सिजेरियन हो, हमेशा नॉर्मल डिलीवरी हो। रीजन में अच्छा सिंपल देखिए ना, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ कुछ चार को बोलेगा वहां जाओ भाई नॉर्मल डिलीवरी होता है, लेकिन अगर आप सिजेरियन हुआ फिर वो जो पेशेंट जितने दुखी हो जाते हैं, अटेंडेंट्स इतने दुखी हो जाते हैं, तो हमें भी वो फील होता है, हम भी चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। बट कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जहां बच्चे की जान को भी देखना है, माँ की जान को भी देखना है, तो बहुत दुख के साथ ये लोग तो सोचते हैं कि पैसे के लिए सिजेरियन कर दिया। अरे पैसे तो नॉर्मल डिलीवरी में भी मिलते हैं, ऐसा क्या है कि नहीं मिलते हैं? आप लोग तो नॉर्मल डिलीवरी में भी पैसे देते हो। बस यही है कि सिजेरियन जो है कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी करना पड़ता है। तो खास करके जो बांझपन की बात आती है मैडम, तो कितने सालों में लोग डॉक्टर से मिल जाना चाहिए, साल दूसरे, कई सारे लोग डॉक्टर से मिलते भी नहीं तो भगवान भरोसे चल रहा है। यही मैं कह रही थी कि एक साल बाद डेफिनेशन है कि एक साल बाद अगर साथ रहने की एक साल बाद भी नहीं कंसीव हो रहा है तो मिल लेना चाहिए। अगर एज 30-35 प्लस है तो 6 मंथ्स बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो मिल लेना चाहिए। स्पेशली जो हमारा यहाँ पॉपुलेशन है, बहुत एक मेजर पॉपुलेशन इज लिविंग जिसमें हस्बैंड जो है अब्रॉड रहते हैं, तो उनके पास बड़ा कम टाइम फ्रेम रहता है। मतलब मान लीजिए शादी हुई 22 में शादी हुई, अब वो गए 3 साल के लिए गए, अब वो आ रहे हैं 3 महीने के लिए आ रहे हैं, अगर मान लीजिए उसमें भी नहीं ट्राई किया फिर वो आए 3 साल, तो लोग तो काउंट करेंगे कि 6 साल शादी के हो गए, भले उसमें आपको 3 महीने ही रहे। और एज निकल जाने के बाद से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। एक मेजर जो परसेंटेज है हमारे पास पेशेंट्स का इनफर्टिलिटी का, वो ऐसा ही है जिनमें हस्बैंड्स आर स्टेइंग आउटसाइड। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पेशेंट्स झेलते हैं। चलिए, तो डॉक्टर अलका सोनी चौधरी है, बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने हर एक चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश की।